रमेश मालवीय जी, इस बार भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आ रही है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के लिए, हमारे पास जो मुद्दे हैं आप देख रहे हैं, जन कल्याण की योजना हमारे पास है, जन कल्याण को लेकर हम काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना किसान सम्मान निधि और भी जितनी हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं, हम उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बहुत सम्मान के साथ में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार रही है। लाडली बहना और उज्ज्वला योजना से गृहणियों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को पार्टी क्या कर रही है? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। आज ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3073 युवाओं के लिए हमने रोजगार दिया है। हम रोजगार मेला लगाते हैं, हम रोजगार के माध्यम से, मेलाओं के माध्यम से ढूंढ ढूंढ के नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले इस बार कितनी सीट भाजपा खाते में आने की उम्मीद है? हमने 150 पार करने का हमारा लक्ष्य है और हम उस पर पूर्ण होगा। हमारे 150 पार सीटें में पार करेंगे हम और एक बहुत बहुमत की सरकार बनाएंगे हम। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर और 1500 रुपए हरमा देने की बात कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, उन्हें 2018 में भी एक बात का वादा किया था, मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। हम तो हमारी लाल लम्बी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है। मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला और महाकाल घोटाले को लेकर आपकी क्या राय है? देखो, घोटाला कोई भी हो, हमारी सरकार उसकी निष्पक्ष जांच कराती है और ये अपने कहने से घोटाला नहीं माना जाता जब तक कोई जांच में उसकी पूर्णता सिद्धता नहीं हो जाए, जब तक हम इसको ये कह नहीं सकते कि सत्य के गलत है। भाजपा कहती है कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कई योजनाओं को बंद कर दिया था, आप क्या कहेंगे? ये योजना बंद हुई थी वो पब्लिक के लिए पता है कि कप्पन के लिए जो 5000 रुपए देती थी वो भी बंद हो गई थी। हमारी तमाम योजना बंद हो गई थी जो आज हमने पूर्ण रूप से चालू की है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। गुना विधानसभा हमेशा ही भाजपा के कब्जे में रही है, इसके बावजूद भी शहर में आज विकास नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? विकास की चौमुखी विकास हुआ है, विकास की गंगा हमने बहाई है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ ही विकास है और आगे भी विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारा शहर का देवतुल्य मतदाता, समझदार मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, विकास की क्या गति रहेगी शहर में? पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देती है मैं निष्ठा ईमानदारी से काम करता हूं। और जैसे आपने कहा कि यदि पार्टी ने मेरे विषय में विचार किया और यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने मेरे जैसे व्यक्ति को यदि ये जिम्मेदारी दी, मुझे सेवक बनाया,